मधु का गजब फ्लेवर है, दुनिया से हटके फ्लेवर है। इस फिल्म का नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी फ़िलहाल तो ये अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है। ये एक क्राइम थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है, और उसमें मैं एक लड़की का किरदार निभा रही हूँ जिसका नाम है माया, जिसकी कैरेक्टर शुरू में आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या है, मतलब एक इनोसेंट लड़की है या इसके हालात कुछ ऐसे हैं जिसलिए एक के बाद एक क्राइम कमिट कर रही है, या इसका दिमागी हालत सही नहीं है, या ये करने में इसे मज़ा आता है। तो एक ऐसी वाली स्टोरी है जो धीरे धीरे रिवील होता है, इसके सारे लेयर्स धीरे धीरे खोलते हैं। माया एक्चुअली नाम हमारा फिक्स नहीं हुआ है, ये तो राइटर का जो इमेजिनेशन था। वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन द नेम ऑफ द मूवी, लेकिन यस, दिस इज़ अ वुमनहुड मूवी, फेमिनिस्ट मूवी, जो मुझे दिल को छू गई, मेरे दिल को छू गई। एंड स्टोरी इज़ टू गुड, एक जर्नी है, एक सफ़र है जो ऑडियंस को ज़रूर से बिठा के रखेगा। और ऑफकोर्स इट्स अ थ्रिलर मूवी, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। टेक्नीशियंस जो है वो भी अपना काम करेंगे, सब कमाल करेंगे कि मूवी और बेहतर एक बड़े कैनवस पर बन जाएगी। एंड लोकेशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड विच वी आर एडिंग, दैट इज़ अलवर इन राजस्थान। बहुत ही ब्यूटिफुल जगह, बहुत ही सुंदर सारे प्लेसेस है, पूरी चीज़ वो सारे घर सारे चीज़ वहाँ पर रियल लिया हुआ है, नो सेट्स एट ऑल। और ये फिल्म जो है जिसका टेंटेटिव टाइटल जो है माया, मोक्ष टू माया है, जिसके राइटर हैं कपिल शर्मा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं अनिल शर्मा, जिनका आप जानते होंगे, उनका सबसे छोटा भाई कपिल शर्मा है, उन्होंने लिखी है ये फिल्में। और मनोज सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को, जो काफ़ी सीरियल उन्होंने डायरेक्ट किया है, लेकिन उनका बैकग्राउंड एक्चुअली फिल्मी रहा है। महानता में, महानता फिल्म आई थी संजय दत्त माधुरी दीक्षित की, उसमें एसोसिएट डायरेक्टर थे वो, और ये फर्स्ट फिल्म होगी उनकी। इसमें मैं और मेरे साथ श्वेता ठाकुर हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको अंतरा क्रिएशंस के बैनर के तले, और इसकी पूरी शूटिंग अलवर राजस्थान जयपुर के पास है, वहाँ होगी। और एटेस्टेड 25 डेज़ की का पूरा शेड्यूल है इसमें, जैसे कि आप जानते हैं कि बिदिता है, मीता वशिष्ठ है, काफ़ी कलाकार हैं, एहसान खान हैं, और फिल्म बैकग्राउंड पर रियलिस्टिक फिल्म है, कोई आजकल के इंग्लिश टाइप फिल्म नहीं है, बहुत रियल स्टोरी पे फिल्म है ये। मैं भी एक किरदार कर रहा हूँ इसमें, हीरो के बड़े भाई का कैरेक्टर कर रहा हूँ इस फिल्म में मैं। ये मर्डर मिस्ट्री टाइप की फिल्म है, और एक लड़की पे जो जुल्म हुआ है उसके अगेंस्ट में, मतलब क्या क्या हमारी माया करती है, वो उसकी कहानी है एक। आज फिल्म की मुहूर्त है, उम्मीद करने के लिए तो ये बहुत ही अर्ली स्टेज है। मैं चाहती हूँ कि फिल्म अच्छी तरीके से कंप्लीट हो और सही तरीके से रिलीज़ हो। पहले तो मुझे इस कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है, जो मैंने पहले किया है वैसा नहीं है। यूपी का एक अलग सा डायलेक्ट में बात करना है, जो मुझे सीखना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद काम करेंगे, फिल्म अच्छी बन के तैयार हो जाएगी, रिलीज़ होगी, यही उम्मीद है, लोगों को पसंद आएगी। बाकी मेरे कुछ फिल्म्स तैयार है, जैसे टी फॉर ताजमहल, इसके प्रोड्यूसर थे अबीस रिजवी, जो इस बार गोवा इफ़ी में दिखाई गई। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने दयाबाई के ऊपर बायोपिक किया है, कुछ बंगाली फिल्म्स किया है, देखते हैं। ये साल की तो अभी शुरुआत है, एक के बाद एक रिलीज़ होगी। कई क्रिटिक्स ने इस साल के टॉप 10 फिल्म लिस्ट में हमारा फिल्म भी रखा है, और टॉप 10 हॉट केमिस्ट्री में भी हमारा नाम है, जो अच्छी बात है। तो बेशक दर्शकों को और क्रिटिक्स को भी हमारा जो है जो किरदार और केमिस्ट्री पसंद आई। तो ये गाना हम लोग ने पवनी पांडे से रिकॉर्ड करवाया है, जो एक आइटम सॉन्ग है, एंड अरिजीत सिंह भी है हमारे गाने की टीम में, वो ऑफकोर्स आज नहीं आ जा पाए। 4 सॉन्ग्स है, हम लोग ने 4 सॉन्ग करवाए हैं, तो ये 2 तो हैं ही। और पवनी पांडे का प्रोफाइल तो एज एवरीबडी नोज कि लैला और लैला से ही जो हुआ है, और ये एक आइटम सॉन्ग है जो यही कर पाएंगी अच्छे से, एंड वी हैव सिलेक्टेड हर। अरिजीत जो रोमांटिक सॉन्ग गा रहे हैं हमारे पिक्चर का, एंड उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है,
सब जानते हैं कि वेरी टेक्स द सॉन्ग एंड ये सॉन्ग्स विल ऐड द ब्यूटी ऑफ द फिल्म ऑल्सो.